कितने प्यारे हैं, ये देखिए यार, शो देखिए इनका माशाल्लाह। अच्छा अभी यहाँ पे ज्यादातर लोग अभी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो हम इसके चिक्स भी अवेलेबल कराएंगे तो एग्स भी अवेलेबल कराएंगे। पहली बार देखे होंगे ऐसे फैंसी बर्ड्स, और माशाल्लाह आप देखिए ये कितने खूबसूरत हैं। इनके भी हम चिक्स और एग्स अवेलेबल कराएंगे। चिक्स और एग्स, फ्रेश एग्स चाहिए। ये देखिए आज डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं इम्तियाज भाई के पास आया हूँ। आप देख सकते हैं इनके पास कितना खूबसूरत सा सेटअप है, और इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, फैंसी है, कश्मीरी है, बहुत कुछ वैरायटी। और इस वीडियो से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि कोई ऐसा भाई मिले जिसके पास हमें हर एक वैरायटी अवेलेबल हो। तो इम्तियाज भाई के पास आज मैं आया हूँ, आपको इनका सारा सेटअप दिखाएंगे, एक एक ब्रीड्स दिखाएंगे, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो सबके साथ शेयर करें। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम इस वाले लेफ्ट वाले सेटअप में जाएंगे। जी ये हमारे पास अभी ब्रह्मा है अवेलेबल, टॉप क्वालिटी में अभी है। अच्छा, ग्रेड साइज में है ये, बिल्कुल। इसके हम अवेलेबल एग्स भी अवेलेबल कराएंगे। अच्छा एग्स भी, चिक्स भी किसी को चाहे तो हर किसी एज में हम चिक्स भी अवेलेबल कराएंगे। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह आप देखिए ये बड़ा कितना है यार, ये देखो ये बड़ा कितना है। लगभग अगर मैं इसका वजन आपको बताऊँ ना, लगभग तकरीबन 8-10 किलो होगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा है यार, माशाल्लाह। एक्चुअली इसमें वेट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसमें तो ये फेदर फेदर होता है। फेदर होता है, लगता है कि ये भारी है, लेकिन भारी तो ये नहीं होता है। अच्छा इसमें इसकी हाइट कम से कम 3 फुट होगी। अच्छा 3 फुट होगी इसकी हाइट। ये देखिए आप, तो ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये आप तो दूर से ही देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। ये देखिए यार, शो देखिए इनका माशाल्लाह। अब घर में इनको आराम से रख सकते हैं, तो वो कैसे इनका केयर करना है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो ये वाला सेटअप भी आपको दिखाएंगे माशाल्लाह। सिल्वर वैन डॉट्स है। अच्छा सिल्वर वैन डॉट्स, हाँ ये तो अभी रेयर है कश्मीर में, अभी तो किसी किसी के पास है ये वैरायटीज है। अच्छा अभी यहाँ पे ज्यादातर अभी ज्यादा नहीं है, तो हम इसके चिक्स भी अवेलेबल कराएंगे तो एग्स भी अवेलेबल कराएंगे। माशाल्लाह यार, ये देखो मेल और फीमेल पूरा रेयर है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए ये तो जबरदस्त है, और सेटअप देखिए यार माशाल्लाह, ये जबरदस्त चीज है। एक और सेटअप में हम जा रहे हैं, गोल्डन सबराइट्स है। गोल्डन सबराइट्स, हाँ इसके भी हम एग्स भी अवेलेबल कराएंगे और चिक्स भी अवेलेबल कराएंगे। देखो यार आज आप यहाँ पे ऐसे फैंसी ये बर्ड्स देखोगे ना, क्वालिटी में मतलब प्योर क्वालिटी में होंगे। आप भी शायद पहली बार ये वाले जो है परिंदे देख रहे होंगे। माशाल्लाह है क्या, ये चीज क्या है, ये देखिए ये डर रहे हैं। और इनका ये जो केयर वगैरह है कैसे करते हैं ये तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम ना आप लोगों को सेटअप ही दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ब्लू लेसर वैन डॉट्स, क्या है ये, ब्लू लेसर वैन डॉट्स, ब्लू लेसर वैन डॉट्स, ये तो इसी सिल्वर वैन डॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके भी हम चिक्स और एग्स अवेलेबल कराएंगे। अच्छा प्योर क्वालिटी में, मैं चिक्स और एग्स हर एक के मिलेंगे। हर एक जो भी आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, चिक्स और एग्स हर एक के मिलेंगे। और माशाल्लाह आप देखिए ये कितने खूबसूरत हैं। तो ये जो है ना ये रेयर है मतलब कश्मीर में ये वाले बर्ड्स, क्योंकि ज्यादातर आपको लोगों के पास नहीं, बहुत सारा लोग जो है ना ये वाले नहीं रखते हैं। लेकिन मतलब आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को सबके साथ शेयर करें, आपको जो है इसका शौक हो ही जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इन चीजों का शौक हो रहा है, मुझे इन परिंदों का शौक हो रहा है, आपको भी जरूर शौक होगा इंशाल्लाह। तो एक और सेटअप में माशाल्लाह मल्टी जापानीज बैंटम। अच्छा जापानीज बैंटम, हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह। ये देखिए तो इनके भी हम चिक्स और एग्स अवेलेबल कराएंगे। अच्छा चिक्स और एग्स इनके भी अवेलेबल है, हाँ माशाल्लाह। ये देखिए सेटअप बहुत ही खूबसूरत है, अलग अलग सेटअप बनाए हैं, क्योंकि क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर प्योरिटी में ये है तो इनके जो चिक्स वगैरह है वो भी फिर प्योरिटी में ही निकलते हैं माशाल्लाह। तो एक और सेटअप में हम जा रहे हैं, ये देखिए सेटअप बढ़िया है यार। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आया शौकीनों के लिए। पॉलिश कैप है। अच्छा पॉलिश कैप, ये देखिए माशाल्लाह प्योर क्वालिटी में है, पॉलिश कैप प्योर क्वालिटी में है माशाल्लाह। इसके भी एग्स और चिक्स मिलेंगे, इनके भी आपको एग्स और चिक्स अवेलेबल होंगे। तो में गलवा है, गलवा ये भी अभी तो इनका ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा गलवा का, हाँ ये देखिए, ये देखिए कश्मीरी में गलवा। साहब मतलब कैसे केयर वगैरह इनका ज्यादा हमें करना है? एक तो इनको पानी गर्म देना है। अच्छा जो शाम हो जाएगा तो फिर पानी आप उठा दीजिए, क्योंकि वो माइनस हो जाता बिल्कुल है नाइट में, बिल्कुल। तो और फीड आपको इनको ये चावल वावल तो नहीं देना है, चावल नहीं देना है। प्रॉपर इनकी फीड होती है, बिल्कुल बाजरा होता है, फिनिशर होती है, जो 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 इनकी डाइट में आता है बिल्कुल। और तो नीचे इनका ड्राई होना चाहिए। अच्छा ड्राई होना चाहिए, आप बुरा भी डाल सकते हैं।
ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि इम्तियाज नीचे गिरा होगा तो इनके पंजों में सर्दी आएंगे, फिर तो ये बीमार पड़ जाए। तो चलिए ये वाला सेटअप भी आपने देख लिया, और ये कश्मीरी हैं तो ये ऑलमोस्ट सब लोगों के पास होते हैं, सब भाइयों के पास। यहाँ भी चलते हैं हम, और ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए ये कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसको देखे ना वो पुराना जमाना याद आ गया, पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे हमारे घर में, आप सबों के घर में हुआ करते थे ये कश्मीरी मुर्गे वगैरह। तो अभी जो है दौर बदल गया है, लेकिन इम्तियाज साहब ने जो है ना इस कल्चर को अभी भी जिंदा रखा है। और साथ साथ में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है ना एग्स वगैरह ले करते हैं, फ्रेश एग्स डाले हुए अभी। अच्छा डाले हुए हैं, ये देखिए भाई साहब हमें कुछ लोग कहते हैं ना कि जो है ना फ्रेश एग्स चाहिए। ये देखिए आज डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ फ्रेश एग्स प्योर क्वालिटी में। और ये जगह है ना यहाँ पे नेचुरल तरीके में जो है ना एग्स यहाँ पे ले करते हैं। और माशाल्लाह देखिए जबरदस्त ये बनाया है ये वाला सेटअप भी, और इनको जो है ना घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। तो ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, अगर किसी भाई को ऐसा बनाना होगा ना तो उसको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा घर में। तो अच्छा देसी वाले हैं, ये भी एग लेंगे सब बोर्ड माशाल्लाह लेयर 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 बोर्ड से। ये देखिए इन्होंने भी एग्स डाला, ये देखिए लेयर के भी आपको फ्रेश एग्स मिलेंगे। और ये तो बढ़िया चीज है ना, हमें बहुत सारे लोग कहते थे कि रियान भाई फ्रेश एग्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये इम्तियाज भाई हैं, इनके पास आपको सारा कुछ मिलेगा। अगर किसी को इंक्यूबेटर भी चाहिए वो भी, अच्छा इंक्यूबेटर भी अवेलेबल है। तो माशाल्लाह यहाँ पे आके ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो है ना, सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो दिल खुश हो गया यहाँ पे आके दोस्तों। हमें इम्तियाज भाई कहता है कि मैं दूर से हूँ तो कैसे यहाँ पे आ जाऊँ, कोई मसला नहीं, हम डिलीवरी भी करा सकते हैं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल ओवर कश्मीर। हमने तो आपको भी परसों भेजे, बिल्कुल घर में अंडे भेजे थे, तो जिधर भी हो जम्मू तक भी हम, अच्छा जम्मू तक भी, जम्मू तक भी हम लद्दाख भी भेज सकते हैं, लद्दाख भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये जबरदस्त चीज है दोस्तों, लद्दाख भी भेजते हैं ये, और ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको देखना है, बर्ड्स पसंद करने हैं, ये आपके घर पहुंच जाएंगे। फार्म का जो है नज़ारा दिखाते हैं माशाल्लाह, आपको भी आइडिया आएगा अगर किसी भाई को अपने घर में रखने होंगे शौक के लिए। बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं लोग यहाँ पे, तो वीडियो सबके साथ शेयर करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो इनके साथ ज़रूर रब्ता करें। आपको कुछ भी चाहिए, फ्रेश एग्स, चिक्स, कुछ भी फैंसी कश्मीरी लेयर, इंक्यूबेटर, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इम्तियाज भाई ने जो है ना सब लोगों की परेशानियां यहाँ पे दूर कर दिया, अगर हम इस पेट शो की बात करेंगे। तो वीडियो सबके साथ शेयर करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।